आप देख रहे हैं श्री रामलीला मंच पर प्रभु की लीला, और सामने देखिए आप देख सकते हैं हमारे चैनल के दर्शक दर्शक कितने शांत मुद्रा में धीर गंभीर होकर देख रहे हैं। और काफ़ी दर्शकों से मैंने बातचीत की कि बहुत अच्छे से इस बार कलाकारी दिखाई। तो इस बार मेरे साथ हैं श्री मंगत राम सैनी जी, जो मुख्य संचालनकर्ता की भूमिका। मैं चाहूँगा कि जितने दर्शक सामने बैठे मेरे कैमरे के अंदर इस वक्त कैद हो रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस प्रकार से किस प्रकार की भावना से कैसे वर्षों से आप रामलीला करा रहे हैं, लेकिन इस बार जो कलाकारी का स्वरूप है वो तो है ही है, लेकिन दर्शकों का स्वरूप, देखने वालों का स्वरूप कैसा है, इस बारे में आपसे बात मैं करना चाहूँगा। जी मंगत राम जी, मैंने आज तक इतने अच्छे दर्शक और इतनी भारी संख्या में कभी नहीं देखे। मैं तो ये कहूँगा ये प्रभु राम जी के प्रति जागरूकता है हमारे हिंदू समाज की। इन्होंने प्रभु राम जी के चरणों में बैठ के प्रभु राम जी की लीला से बहुत सी बातें सीखी होंगी। उस दिन हमारा मन गदगद हो गया परसों, जब हमने देखा कि हमारा ये जो पंडाल है ये छोटा पड़ गया, और इतने शांत भाव से इस बार एक और कमाल हुआ, नहीं तो हुल्लड़बाजी हो जाया करती थी। और मैं बच्चों का और सभी अपने भाइयों का बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि कितने शांत ढंग से आप बैठे और आपने हमारा जैसा भी छोटा मोटा उल्टा सीधा जो भी कलाकारी हमने दिखाई उसको आपने पसंद किया, सराहा, और अगले दिन आप उससे भी ज़्यादा संख्या में यहाँ आए। मैं आप सभी का अपने क्लब की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले पहले क्या होता था रामलीलाओं में कि दर्शक उठकर चल पड़ते थे और उनको रोकते थे कि भाई डांस, इसके बाद डांस होगा, और तब दर्शक रुकते थे, क्या इस बार भी ऐसी बात है? इस बार तो हम लास्ट में जयकारा बुलाना पड़ता था और दर्शक निराश हो जाते थे कि बस जी अब जाएं। यही तो कमाल है प्रभु राम जी के नाम का। प्रभु राम जी यहाँ साक्षात दिखाई दिए, हनुमान जी यहाँ साक्षात दिखाई दिए। मैं तो आप सभी का धन्यवाद करता ही रहूंगा, लेकिन प्रभु राम भी कहीं प्रसन्न है कि सढ़ौरा के लोग कितने मेरे भक्त हैं, और इसीलिए यहाँ इतने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। 3-4 मंदिर बन रहे हैं, गगड़वाला पे मंदिर, पार्क में मंदिर, एक हमारे रविदास मंदिर जी बहुत ही भव्य है वो बन रहे हैं। तो ये प्रभु राम जी की कृपा तो है, और क्या है, इनका तो मैं एहसान भुला ही नहीं पाता। तो हमारे दर्शक कलाकारी को 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं, तो आप लोग हमारे दर्शकों कितने नंबर देंगे? मैं अगर 100 में से 110 दिए जाएं तो मैं 110 नंबर दूंगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेके आना ये बहुत बड़ी बात है। सभी हमारे बुजुर्ग हमारे भाइयों ने बैठना और फिर सराहना करनी। कुछ दिन जब हम दिन में मिलते थे तो कहा करते थे जी आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा तो प्रभु राम जी ने कमाल किया। शोभा यात्रा मुझे आज कई हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, और कई तो ऐसे थे जिनका मेरे साथ इतना ज़्यादा परिचय नहीं था, उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसी शोभा यात्रा हमने आज तक नहीं देखी। ताली बजाइएगा प्लीज़। ये सुन के हमें बहुत बड़ा राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया कि जिस कार्य के लिए प्रभु चरणों में हम 7-8-9 दिन से हैं वो शायद सफल होने की दिशा में है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगत राम जी, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, और कुछ ही देर के बाद आप अपने मोबाइल पर यह इंटरव्यू देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति।